हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार किचन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटका कुल्फी की रेसिपी। गर्मी के दिन आ चुके हैं, ये सभी को बहुत पसंद आती है। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का ही यूज करें। ये मैंने दूध को गैस में रख लिया है, अब हमें इसमें एक उबाल आने देना है। आप देख रहे होंगे कि दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे चला लेना है। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है, जब तक कि अपनी क्वांटिटी से 1/3 ना रह जाए, तब तक इसे चलाते हुए पका लें। अब हम इसमें बाकी की सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है केसर। केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, वरना कोई जरूरी नहीं है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया और इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे चला लें और 1/2 कप मैंने यहाँ पर चीनी का यूज किया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े चम्मच ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं, बादाम लिए हुए हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो कम भी कर सकते हैं। ऐसे चलाते हुए इसे इसका 1/3 पार्ट होने तक पका लेना है। आप चाहे तो इसमें मलाई या क्रीम का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसे अवॉइड किया है। मलाई वगैरह डालने से बहुत ज्यादा क्रीमी हो जाएगी, जो कि हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है नहीं। ऐसे लगातार चलाते हुए इसे पका लें। आपने देखा होगा कि दूध की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो चुकी है। जो किनारे में इसकी मलाई ऐसे लग जाती है, इसे भी निकालते हुए इसे मिला लें। ये देखिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, बिल्कुल हो चुका है। ये जो हमारी दूध की क्वांटिटी थी, इसका 1/3 पार्ट रह चुका है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये कुल्हड़ लिए हुए हैं, ये मटके वाले की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए इसका नाम मटका कुल्फी है। हम इसे मटके में या कुल्हड़ में बना रहे हैं। अब हमें इसे इसमें डाल लेना है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास मटके नहीं है तो आप इसे किसी और चीज में भी जमा सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल लिया है। सारे कुल्हड़ को मैं इसी तरीके से भर लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे कुल्हड़ में से डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इन्हें ढक लेना है। ये देखिए, फॉइल पेपर लिया हुआ है मैंने, इसे इस तरीके से इसमें लपेट लेना है, ताकि जो बर्फ के टुकड़े हैं ऊपर से आ जाते हैं कभी कभी फ्रिजर में, तो ये ना आए, इसलिए मैं इसे ढक रही हूँ। सारे कुल्हड़ को मैं इसी तरीके से फॉइल पेपर से ढक लूंगी, रैप कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, कर लिया मैंने। अब हम इसे 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, 8 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। खोल लेते हैं इन्हें एक एक करके। ये देखिए, ये जम चुकी है ठीक तरीके से। सारे कुल्हड़ को मैं खोल लूंगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी कुल्फी बनी हुई है।
हमारी मटका कुल्फी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसमें थोड़े ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड कर लूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़े बादाम लिए हुए हैं, इन्हें डालने हैं इसे ऊपर से ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। मैं आपको चेक करके दिखा लेती हूँ कि कैसी जमी हुई है कुल्फी हमारी। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट कुल्फी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी जमी हुई है और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये कुल्फी घर पे बना के जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।